दोस्तों, फिनलैंड, स्वीडन या फिर यूक्रेन जैसे छोटे मोटे देश ये नेटो ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं? जापान क्यों इतना ज्यादा उतावला है कि नेटो का एक ऑफिस उसके देश में खुल जाए? क्यों सऊदी अरेबिया, यूएई इस बात के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि अमेरिकन सेना की प्रेजेंस उनके देश में हो? यानी जो छोटे मोटे देश होते हैं वो बड़े और शक्तिशाली देशों को अपने देशों का एक्सेस क्यों दे देते हैं? क्यों उनकी मौजूदगी वो अपने देश में दर्ज कराना चाहते हैं? तो दोस्तों, इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है सिक्योरिटी। मान लीजिए कि अगर सऊदी अरेबिया के अंदर अमेरिका की प्रेजेंस होगी, अमेरिका का सैन्य बेस होगा, अमेरिका की फोर्सेस वहां पर डिप्लॉयड रहेगी, तो क्या सऊदी अरेबिया का कोई दुश्मन सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक कर सकता है? ऐसी परिस्थिति जापान वगैरह के साथ में है। जापान साउथ कोरिया में अगर अमेरिका की प्रेजेंस होती है तो चाइना और रशिया थोड़ा सा दबकर रहेंगे, ये उनके ऊपर सीधे अटैक नहीं करेंगे। या फिर स्वीडन वगैरह का मामला, ये भी एग्जैक्टली ऐसा ही है। ये लोग चाहते हैं कि नेटो फोर्सेस हमारे देश में आ जाए ताकि उनकी प्रोटेक्शन हमें मिले। तो इस तरह से दुनिया में जो छोटे मोटे देश हैं, जो कम शक्तिशाली हैं, वो बड़े देशों की प्रेजेंस अपने देश में सुनिश्चित करते हैं ताकि उनके जो एडवर्सरी है उनके ऊपर किसी तरह का कोई अटैक वगैरह ना कर दे। और मान लीजिए कि ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए कि दुश्मन कॉमन हो, तब इस तरह की प्रेजेंस का महत्व कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। जैसे भारत और वियतनाम को ले लीजिए, भारत और वियतनाम दोनों का कॉमन एडवर्सरी है, कौन है? चाइना है। ऐसी परिस्थिति में वियतनाम और भारत नेचुरली भी फ्रेंड्स होने चाहिए, और वो हैं भी। और इसी बात को लेकर दोस्तों, पिछले 17 सालों से भारत की प्रेजेंस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रेजेंस वियतनाम के अंदर मौजूद है। और अब बताया जा रहा है कि भारत की इस प्रेजेंस को कुछ समय के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। अब क्या है सारी चीजें, अभी तक थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताने जा रहा हूं। आप बस वीडियो को लाइक करके खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो चाइना की पॉलिसीज देखी जाए। स्ट्रिंग ऑफ पल्स के जरिए वो भारत के आजू बाजू के पड़ोसी देशों में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है ताकि अगर युद्ध की कोई परिस्थिति आती है तो भारत के ऊपर चौतरफा अटैक किया जाए। कोको आइलैंड ले लीजिए, इधर ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में ले लीजिए, सीपेक ले लीजिए जो पीओके सीओके से होकर गुजरता है, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, नेपाल में। इसके अलावा अभी कुछ ही समय पहले खबरें निकल कर आई थी कि रिम आइलैंड जो कि कंबोडिया में है, वहां पर चाइना की प्रेजेंस है। तो ये सारी चीजें भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए चाइना द्वारा की जा रही है। अब ऐसी परिस्थिति में इसका कोई ना कोई तोड़ तो हमें भी चाहिए, हमारी भी प्रेजेंस कुछ ऐसे इलाकों में हो जो कि चाइना को मल्टीपल डायरेक्शन वाला थ्रेट दे सके। इसके लिए भारत भी चुप नहीं बैठा है, और भारत भी चाइना के आजू बाजू के देशों के साथ अपना तालमेल काफी ज्यादा बढ़ा रहा है, और इन फ्यूचर काफी बड़े स्तर पर चाइना की घेराबंदी भारत भी कर पाएगा। लेकिन इसी सीरीज में एक नाम निकल कर आ रहा है, वियतनाम का। दरअसल ये मैप आप देखिए, इस मैप में ये जो मोटी ताजी मुर्गी दिख रही है ये चाइना है, और इस मुर्गी का ये जो पैर है ये है वियतनाम। वैसे ये मुर्गी इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं हुआ करती थी, काफी दुबली पतली सी थी, लेकिन दूसरों की जमीन हड़प करके इस मुर्गी ने अपना साइज काफी ज्यादा बढ़ा लिया है, और वियतनाम उतना का उतना ही रह गया है। इवन इस मुर्गी के पैर के जितना जो वियतनाम है, इसका भी ये वाला हिस्सा जो इस समय आप मैप में देख रहे हैं, इसके ऊपर चाइना क्लेम करता है। और चाइना इस एरिया के साथ साथ इस एरिया के एवज में मिलने वाला एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो कि साउथ चाइना सी में है, उसे भी क्लेम करता है। और अंततः इस पूरे इलाके के ऊपर वो अपना कब्जा जमाना चाहता है ताकि यहां से लेकर यहां तक ये पूरा इलाका चाइना का सिक्योर हो जाए, और यहां पर चाइना की अनुमति के बिना कोई भी ना पहुंच पाए। उसके बाद यहाँ पर वो एक्सप्लोरेशन वगैरह के काम करे, यहाँ से मिनरल्स निकाले, क्योंकि इस तरह की खबरें कई बार हम लोग जान चुके हैं। सभी को पता है कि साउथ चाइना सी का जो इलाका है वो एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के समान है, क्योंकि यहाँ पर कई तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, बस उनको प्रॉपर एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है। और चाइना यही चाह रहा है कि इस पूरे इलाके को पहले अपने कब्जे में ले लिया जाए, उसके बाद एक्सप्लोरेशन का काम शुरू करके जो जो भी चीजें यहाँ पर गड़ी है एक तरह से समुद्र मंथन करके उन सारी चीजों को बाहर निकाला जाए। और इसकी वेल्थ जो बताई जाती है अनुमानित, वो $5 ट्रिलियन से भी ऊपर की है। तो आप समझ सकते हैं कि इतना चाइना कभी भी छोड़ना नहीं चाहेगा। लेकिन समस्या उसके साथ यही है कि आजू बाजू की जो देश हैं वो अब चाइना का विरोध थोड़ा सा मुखरता के साथ करने लगे हैं। फिर ताइवान हो, फिलीपींस हो या फिर वियतनाम हो, ये सारे देश चाइना के खिलाफ अब पहले की तुलना में ज्यादा मजबूती से आवाज बुलंद करने लगे हैं। इसी सीरीज में दोस्तों एक ऑयल ब्लॉक का नाम निकलकर सामने आता है, और ये जो ऑयल ब्लॉक है ये आप देख सकते हैं मैप में इस जगह पर मौजूद है। इसे नाम दिया गया है ब्लॉक 128। यहाँ पर बताया जाता है कि तेल वगैरह के भंडार है,
हैं जिन्हें निकालने के लिए काम भारत कर रहा है। जी हाँ, आज से 17 सालों पहले ONGC की ही जो संस्था OVL है, यानी ONGC विदेश लिमिटेड, जो कि विदेशों में जाकर इस तरह से ब्लॉक खरीदती है, वहां पर एक्सप्लोरेशन का काम करती है और तेल गैस पाए जाने के बाद उन्हें निकाल कर शेयर बांटने के बाद भारत भेज देती है या फिर जरूरत के हिसाब से बेच देती है। तो इसी पर्पस से या इसी बहाने से भारत की OVL द्वारा वियतनाम का ब्लॉक 128 आपने नाम करवा रखा है, जो कि आज से 17 साल पहले करवाया था। अब बहाना शब्द यहाँ पर मैंने इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि पिछले 17 सालों से OVL की यहाँ पर प्रेजेंस है, यहाँ पर ऑयल डिस्कवर वगैरह करने के लिए सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर दिया गया है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 17 सालों में यहाँ पर तेल निकला ही नहीं है। अब अगर 17 सालों से OVL इस इलाके में एक्सप्लोरेशन का काम कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया है, इतनी मेहनत की है और अभी तक ऑयल नहीं निकला है, तो ऑब्वियसली आने वाले समय में भी नहीं निकलेगा। कारण यही होगा कि इस इलाके में ऑयल है ही नहीं। लेकिन इसके बाद भी बताया जा रहा है, कुछ खबरें निकल कर आ रही है लेटेस्ट, कि OVL द्वारा इस ब्लॉक 128 के स्वामित्व को लेकर 3 साल का एक्सटेंशन और ले लिया गया है। यानी ये ब्लॉक 128 अब OVL के पास 2026 तक रहेगा और इन फ्यूचर भी हम लोग इसे इसी तरह से एक्सटेंड करते जाएंगे। दरअसल जब भी इसका एक्सटेंशन खत्म होता है, OVL वियतनाम के साथ बातचीत करके इसको बढ़वा लेती है और इस तरह से अभी तक कुल 8 एक्सटेंशन हम लोग ले चुके हैं और इन फ्यूचर हम लोग और भी एक्सटेंशन लेंगे। अल्टीमेटली भारत अपनी प्रेजेंस इस इलाके में मजबूती से बनाए रखे है। तो बहाना शब्द यहाँ पर इस्तेमाल करने का कारण ये था कि यहाँ पर OVL को भी पता है, हमें भी पता है, वियतनाम को भी पता है, चाइना को भी पता है और पूरी दुनिया को पता है कि ऑयल नहीं निकलना है। अगर 17 सालों में ऑयल नहीं निकला तो अगले 2-3-4 सालों में या और एक्सटेंशन लेकर हम लोग कितने भी साल बढ़वा लें, यहां पर ऑयल नहीं निकलना है। लेकिन इसके बावजूद ऑयल निकालने के बहाने भारत अपनी प्रेजेंस को यहां पर बनाए रखे है और इस पूरे इलाके पर भारत का कब्जा है। अब ये भारत के साथ साथ वियतनाम के लिए भी फायदे वाली चीज है क्योंकि भारत को यहाँ से चाइना को घेरने के लिए एक मौका मिलता है और वियतनाम के लिए वही सुविधा मिलती है जो कि नेटो फोर्सेस के किसी देश में घुसने के बाद उसे मिलती है, या फिर सऊदी अरेबिया, UAE और जापान, साउथ कोरिया का जो एग्जाम्पल दिया कि यहाँ पर अमेरिका के जो सैन्य बेस वगैरह है ये उनकी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। तो ठीक उसी तरह से भारत एक शक्तिशाली देश अगर वियतनाम के किसी इलाके में अपनी प्रेजेंस को बरकरार बनाए रखे है तो ये वियतनाम की सिक्योरिटी के लिए एक गारंटी का काम करता है और इसी वजह से भारत पिछले 17 सालों से यहाँ पर मौजूद है। आने वाले और सालों तक भारत यहीं पर मौजूद रहेगा और जब भी एक्सटेंशन खत्म होगा वियतनाम के साथ बातचीत करके हम लोग इस एक्सटेंशन को और लगातार बढ़ाते रहेंगे ताकि भारत लगातार कंटिन्यू इस इलाके में रहकर चाइना के सारे मंसूबे पूरे न होने दे। तो अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।